विशाल अशा या देशामध्ये अनेक असे प्रांत आहेत, अनेक अशा प्रांतामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे आपण लोक गुण्यागोविंदाने राहत आहोत। आपल्याही गावामध्ये आज ईद आणि अक्षय तृतीया बसव जयंती साजरा केलेला आहे। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन व्लॉग में। तो आज का दिन जो है रमजान ईद का दिन है, बसवेश्वर महाराज जी की जो आज बेहतरीन जयंती है, फिर उसके साथ साथ अक्षय तृतीया है, परशुराम जी की जो है बेहतरीन जन्मोत्सव है आज। तो बहुत ही ज़बरदस्त अलग अलग जो है त्यौहार आज पूरे हिंदुस्तान में मनाए जा रहे हैं। तो इसी मौके पर जो है मैं अभी सोने चला था, पूरा त्योहारों का पूरा सिलसिला खत्म हुआ था, फिर हमारे श्रीमंत काका का मुझे फ़ोन आया कि बादशाह पटेल साहब चलो अपने को वसंग जाने का है, वहाँ के बसवेश्वर महाराज जी की जो है बेहतरीन यात्रा जो है शुरू हुई है, वहाँ पर अपने को स्टेज की पूजा करने को अवसर बोले से। तो अभी मई फिर उसके बाद विशाल श्रीमंत काका और उनके दो नवासे जो हैं अभी फाइनली वसंग को पहुँचे ले। तो आज का पूरा जो है त्यौहार है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो भाई लोग बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा गाँव सजाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बसवेश्वर महाराज जी की जो ये यात्रा है शुरू हुई है। कल से जो है ये बेहतरीन यात्रा का जो है त्यौहार यहाँ पर वसंग गांव में चल रहा है, जहाँ पर जो है गांव के हर समाज के, हर धर्म के, हर पंथ के, हर जात के जो लोग हैं शामिल होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर जो है इस बेहतरीन त्यौहार को यहाँ पर मना रहे हैं। अभी तक जो है लोग नहीं आए, अभी जो है अभी शुरुआत नहीं हुई है, तब तक जो है अपन पूरा देखेंगे, बोलते मंदिर का अतराफ घूमेंगे, फिर उसके बाद जो है नंदी ध्वज वगैरह सब देखेंगे, मठ है बसवेश्वर महाराज जी का वहाँ पर भी जाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये यात्रा होती है। और हमारा एरिया जो है ना, पूरा जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई वायलेंस नहीं होता, कोई भी प्रकार का जो है दंगा नहीं होता, सभी लोग जो है प्यार से रहते, हर धर्म का, हर समाज का, हर जात का, हर पंथ का आदमी जो है मिलजुल को रहता, किसी का भी किसी के साथ भी कोई झगड़े नहीं, किसी के भी किसी के साथ लपड़े नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते, सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से रहते, भले ही बाहर कितने की दंगे होते कि नहीं, भले बाहर कितने की नफरत रहती कि नहीं, क्या करते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे सोलापुर में कभी भी, हमारे सोलापुर में के जो लिंबी चिंचोड़ी गांव और उसका आजू बाजू का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर जो है किसी भी प्रकार का दंगा नहीं रहता, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहता, किसी भी प्रकार का लपड़ा नहीं रहता, सभी लोग जो है मिलजुल को रहते हैं, सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते। अभी अपन जो है फाइनली इस बेहतरीन गाँव के महात्मा बसवेश्वर जी के जो है बेहतरीन इस मठ में आए लें, जहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले लंगर था पूरे गाँव के सभी लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जो भी भाविक बाहर से आते हैं उन सभी लोगों के लिए जो है यहाँ पर बेहतरीन जो है लंगर का जो है आयोजन किया गया था, बेहतरीन भोजन का जो है आयोजन किया गया था। तो आसपास के सभी गांव के सभी लोगों ने जो है इन बेहतरीन भोजन का जो है लुत्फ उठाया, फिर उसके बाद जो है ये बेहतरीन नंदी ध्वज जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे लिंबी चिंचोड़ी गाँव में नंदी ध्वज बनाए जाते, तो 5 या 6 नंदी ध्वज है यहाँ पर, बेहतरीन बड़े बड़े नंदी ध्वज है। तो मिरवणूक थी आज सुबह में जो है, बेहतरीन मिरवणूक जो है निकाली गई, अनफॉर्चुनेटली अपन आए नहीं थे मिरवणूक के दरमियान क्योंकि ईद का त्यौहार था और मुझे पता भी नहीं था कि वसंगों में बसवेश्वर महाराज जी की जत्रा वगैरह भी होती, क्योंकि मैं उस वक्त जो है हमारे गांव के बसवेश्वर महाराज जी की जयंती में व्यस्त था। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये पूरा मठ जो है उन्होंने सजाया हुआ है, पूरा मठ जो है बहुत बड़ा यार, बेहतरीन है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी तैयारी चल रही बसवेश्वर जयंती की, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसपास के सभी गांव के जो है जवान लड़के जो है यहां पर आए हुए हैं, आसपास के गांव के सभी गांवकरी जो है इस बेहतरीन यात्रा में जो है शामिल होने के लिए आए हुए हैं, यहां पर जो है हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के, हर पंथ के, हर वर्ण के जो लोग इस बेहतरीन यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक महान प्रतीक है, जिसमें जो है सभी लोग प्यार मोहब्बत से शामिल होते हैं, भले ही दुनिया भर में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारे फसाद चल रहे हैं, बहुत सारे दंगे चल रहे हैं, लेकिन ये बेहतरीन यात्राएं जो है हमारे क्षेत्र की, ये हिंदू मुस्लिम एकता का, सर्वधर्म समभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी के भी दिल में एक दूसरे के लिए कोई बुराजगी नहीं है, किसी के भी दिल में किसी दूसरे के लिए जो है कोई तकलीफ नहीं है, सभी लोग जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कि नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे एरिया में यात्राएं होती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आसपास के सभी गांव के लोग जो हैं एक दूसरे के गांव में आकर जो इन यात्राओं की शोभा बढ़ाते हैं, इन यात्राओं को सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करते हैं, कि नहीं। तो सभी लोग जो एक दूसरे का मान बढ़ाते हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी तैयारियाँ यहाँ पर समाप्त हो रही हैं, और आसपास के गाँव से जो है सभी प्रमुख पाहुणे भी जो है इस बेहतरीन यात्रा के, इस बेहतरीन नाटक में जो है शामिल होने के लिए आ रहे हैं, इस बेहतरीन नाटक की जो है शोभा बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं।
तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा डेकोरेशन वगैरह हुआ है। और अभी जो है धीरे धीरे कर जो है सभी मान्यवर जो है इस बेहतरीन नाटक में शामिल हो रहे हैं, और थोड़ी देर में जो है ये बेहतरीन नाटक की जो है शुरुआत होगी। और यहाँ पर पूरा म्यूज़िक सिस्टम भी जो है लगाया गया है बेहतरीन तरीके से, पूरे म्यूज़िक सिस्टम को जो है चेक किया जा रहा है, बज रहा है या नहीं बज रहा है कि नहीं। बहुत सालों के बाद जो है ये बेहतरीन यात्रा यहाँ पर भर रही है, तो आसपास के सभी लोग जो है इस बेहतरीन यात्रा के इस बेहतरीन नाटक को देखने के लिए आए हुए हैं। और सभी लोगों में जो है उत्साह दिख रहा है, बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में, औरतों में, सभी लोगों में जो है उत्साह दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। वर्षी ही अक्षय तृतीय निमित्त श्री बसवेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने दर वर्षी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी बसव जयंती मोठ्या उत्साहात आनंदात त्या ठिकाणी साजरा केला जातो। कालपासून या यात्रेला सुरुवात झालेली आहे आणि आज यात्रेचा हा दुसरा दिवस, आज सकाळी नंदी बैलांची भव्य मिरवणूक व बसवेश्वरांची व पालखीची मिरवणूक या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे। तर दर वर्षाप्रमाणेही यावर्षीही बसवेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून सुंदर सामाजिक कल्याण नाटक रचिजेते हुच्च मुली अर्थात श्रीदत्त सहोदर हा कन्नड सामाजिक नाटक या ठिकाणी अवघ्या काही मिनिटांमध्येच आपल्या समोर या नाटकाचं उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे। अरे मुंग्या दी तर खाली अर्थात अक्षय तृतीया, त्याचबरोबर आज रमजान ईद पण आपण साजरा केलेला आहोत। तर आज या ठिकाणी अक्षय तृतीयेनिमित्त बसवेश्वर जयंती आपण या ठिकाणी मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केलेला आहे। गेल्या 2 दिवसापासून अतिशय आनंदी वातावरणात, उत्साही वातावरणामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून कोणत्याही प्रकारचा सण उत्सव आपण साजरा केलेला नव्हतो, परंतु यावर्षी प्रत्येक सण आपण अतिशय आनंदी वातावरणात, उत्साही वातावरणात आणि भक्तिभावनेने साजरा करीत आहोत। यावर्षीही बसव जयंती कालपासून आपण साजरा केलेला आहे, आज अक्षय तृतीया, त्याबरोबर रमजान ईद। तर मी रमजान ईदनिमित्त तमाम हिंदू बांधवांना अक्षय तृतीयेनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो, त्याचप्रमाणे अक्षय तृतीयेनिमित्त तमाम मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन आजच्या या नाटकाच्या उद्घाटन सोहळ्याला सुरुवात करतो। तर बंधू आणि भगिनींनो, आपला हा देश विशाल असा देश आहे, विशाल अशा या देशामध्ये अनेक असे प्रांत आहेत, अनेक अशा प्रांतामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे आपण लोक गुण्यागोविंदाने राहत आहोत। आपल्याही गावामध्ये आज ईद आणि अक्षय तृतीया बसव जयंती साजरा केलेला आहे। तर आज नाटकाच्या उद्घाटनासाठी सर्व धर्मातील लोक आपल्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। तर मी श्री बसवेश्वर देवस्थान ट्रस्ट व बसवेश्वर तरुण मंडळातर्फे आलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करतो। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। बंधू आणि भगिनींनो, कोणताही कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी अध्यक्षांची गरज असते। तर आजच्या या नाटकाचे अध्यक्ष, आज हा पहिला प्रयोग आहे, आजच्या या पहिल्या प्रयोगाचे अध्यक्ष आपल्या गावचे माजी सरपंच
श्री शंकरलिंग देवस्थान ट्रस्ट चे अध्यक्ष आदरणीय श्रीशजी दुग्री काका यांनी स्वीकारव अशी मी विनंती करतो। इदीग नम सहकारी शिक्षकरु मत्तु नम गुरुगळाद शिवानंद गोडके सर अवरु अध्यक्ष सूचनेगे देवस्थान ट्रस्ट मत्तु यात्रा कमिटीयिंद पूर्ण अनुमोदने नीडुत्तेने। धन्यवाद। यानंतर प्रतिमा पूजन होईल। जगज्योति महात्मा बसवेश्वरांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या गावचे माजी तंतमुक्त अध्यक्ष आदरणीय सत्तारभाई कुरेशी यांना मी विनंती करतो व तसेच मंचावर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना पण मी विनंती करतो की जगज्योति महात्मा बसवेश्वरांच्या प्रतिमेचे त्यांनी पूजन घडवून आणावं। इवतना दिवस नम श्री बसवेश्वर यात्रा स्टेज पूजेचं उद्घाटन करण्यासाठी
कोल्हापूर जिल्हा शिवा संघटना उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमंत तिवारी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या नाटकाच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी स्टेज पूजा घडवून आणावं. आदरणीय श्रीमंत तिवारी शेट्टी साहेब जिल्हा उपाध्यक्ष शिवा संघटना सोलापूर जिल्हा. उद्घाटन करण्यासाठी पैशांचे सुपुत्र सध्या कर्नाटकातील विजयपूर या ठिकाणी वास्तव्यात असलेले आदरणीय सुरेश केशेट्टी यांना विनंती करतो की आजच्या या नाटकाचं फीत आपण त्यांनी अधिकृत उद्घाटन करावं. सुरेश केशेट्टी Yeah.
आदरणीय अमित सिंह यांचा सत्कार करण्यासाठी अनिल शापुरे विनंती करतो। अनिल शापुरे दाऊद अमित शिंदे यांचा सत्कार करून आलो। सत्तार भाई कुरेशी माजी कंठमूत अध्यक्ष यांचा सत्कार सुरपुरे यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। We'll be right back।
ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಟಕ್ಕೆ. ತದನಂತರ ನಾಟಕದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನೀಲಕಂಠ ಗಿಡಿ ಅವರ ಸಂಕರ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿನೋದ್ ಕುಲೆ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. विनंती करतो की आजच्या या नाटकाच्या प्रसंगी या ठिकाणी नाटक पाहण्यासाठी आलेल्या सर्व प्रेक्षकांना व आम्हा सर्व गावकऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय श्रीमंत तुळशेती साहेब सेवा संघटना उपाध्यक्ष सोलापूर जिल्हा. बसवेश्वर जयंती निमित्त नाटक बसवेश्वर जयंती निमित्त नाटक आयोजित केलेले आहे. या नाटकाचे अध्यक्ष वळसण गावचे सरपंच दुधगी काका आणि नाटकाचे उद्घाटक सुरेश केशेट्टी उद्योगपती प्रतिमा पूजन सत्तारबाई कुरेशी माजी तंटामुक्त अध्यक्ष संगीत पूजा दाऊदभाई अमली चुंगे तंटामुक्त अध्यक्ष आणि मल्लीनाथ बाबा नगरे आणि सर्व जमलेले सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि जमलेले सर्व माता भगिनी आणि बंधू. आज मी बसवेश्वर जयंती निमित्त येथे नाटकासाठी आलेला आहे. तरी सर्व तरुण वर्गांना सांगतो की आज नाटकासाठी बोलावलेले आहेत मला. त्यासाठी मी आले सर्व तरुण वर्गाने नाटक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कोणीही गडबड गोंधळ करू नये आणि गोंधळ वगैरे केल्यास करू नये गोंधळ वगैरे करू नये. मला बोलायलाबद्दल बोलायला संधी दिल्याबद्दल मी सर्व प्रेक्षकांचा आणि सर्व बसवेन तरुण मंडळाचा आभार मानून मी माझे 200 संपतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिव. प्रयत्न करा. धन्यवाद केशवजी साहेब. त्याचप्रमाणे आजच्या नाटकाचे अध्यक्ष आपल्या गावचे माजी सरपंच आदरणीय सिसेजी दुधी काका यांनीही आपल्या मनोगतातून आम्हाला असं सांगितलेलं आहे की गेल्या 2 वर्षापासून COVID-19 म्हणजेच कोरोना या संसर्गजन्य रोगामुळे संपूर्ण जग थांबलेला होता. सण उत्सव कोणतेही आम्ही साजरा न करता आपापल्या घरामध्येच अगदी आपल्या जीवाला सांभाळून होतो. पण सध्या कोरोना पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही आहे, परंतु त्याची काळजी घेत आपण सण उत्सव यावर्षी साजरा करत आहोत. तर सरपंच साहेबांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की आजचा हा नाटक ज्या पद्धतीने काल आणि आज मिरवणूक संपन्न झालेला आहे, कोणताही गडबड गोंधळ न करता आजचा हा नाटकसुद्धा अशा प्रकारे कोणताही गडबड गोंधळ न करता आपण सर्वांनी प्रेक्षकांनी सहकार्य करावं आणि हा नाटक यशस्वी करावा अशा प्रकारची सूचना माजी सरपंच शिक्षक दुधी काकांनी दिलेली आहे. तर या ठिकाणी आजचा हा नाटकाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला आणि अध्यक्षांच्या परवानगीनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो. आणि
पाहून तास आपण सर्वांनी शांत बसून हा उद्घाटन सोहळा आणि सत्कार सोहळा शांत बसून ऐकलात आणि बघितलात तर आपण सर्वांचा मी सुद्धा सगळ्यांना एक पुष्पहार अर्पण करून आपण सर्वांचा मी धन्यवाद म्हणतो आणि पुढील नाटकाला सुरुवात करतो. चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा नाटक का कार्यक्रम जो है यहाँ पर समाप्त हुआ, मतलब पूरा उद्घाटन समारोह जो है समाप्त हुआ. सभी मान्यवरों का जो है मनोगत वगैरह हुआ, आए हुए सभी मान्यवरों का जो है बेहतरीन तरीके से स्वागत सत्कार किया गया कमेटी के द्वारा. और अभी जो है यहाँ पर बसवेश्वर महाराज जी के इस आलिशान मंदिर में जो है सभी मान्यवर आकर बैठे, इनका जो है अभी पूरा पाहुणचार किया जा रहा है. और उसके साथ साथ सभी मान्यवर जो है अपने तरफ से जो है इस बेहतरीन भव्य दिव्य यात्रा के लिए जो है देणगी दे रहे हैं, इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए जो है यहाँ पर देणगी दे रहे हैं. तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चुका है. और अभी थोड़ी ही देर में जो है आए हुए सभी लोगों के लिए जो है आसपास के सभी गांव के लोगों के लिए जो है बेहतरीन नाटक जो है कन्नड़ नाटक जो है सामाजिक नाटक जो है शुरू किया जाएगा, जिसे सब लोग मिलकर जो है एंजॉय करेंगे. आज का दिन बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बिजी थे. आज अपन सुबह को जो है रमजान ईद का त्योहार मनाए, फिर उसके बाद जो है अपने गाँव में बसवेश्वर जयंती मनाए. अपन बहुत ही ज़्यादा बिजी थे आज सुबह से, बहुत ज़्यादा काम थे अपने को, खेत में भी काम करे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करे आज का दिन, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे, अपने सभी परिवार वालों के साथ एंजॉय करे. बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आज का दिन गया. और अभी जो है फाइनली अपने को जो है घर को छोड़ने के लिए जो है विशाल भाई किवर शेट्टी जो है आ रहे. काका बोले बहुत ज़्यादा देर भी लिया, 12:30 बजे लिए अभी. काका बोले विशाल पटेल साहब को फार्म हाउस पर छोड़ को. तो अभी अपन फाइनली जो है फार्म हाउस पर जा रहे हैं, अभी जाकर फ्रेश वगैरह होंगे. बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का दिन गया. अगर आपको ये बेहतरीन ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियंस बताओ. और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो. तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से. जय हिंद.